बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबेन जारी टेस्ट मैच में 23 ओवर का गेम बाकी है, मगर उससे पहले ही मैच को रोक दिया गया। मैच को क्यों रोका और मैच कब शुरू होगा, मौजूदा क्या सूरतयाल है, किस टीम की पोजीशन अच्छी है, आज के इस मुख्तसर वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे। बस गुजारिश है इस मुख्तसर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के मुताबिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान के माबेन पहला टेस्ट मैच जारी है, जिसके पहले दिन के खेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी और शानदार गेंदबाजी की, मगर बाद में श्रीलंकन बल्लेबाज डट गए। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो श्रीलंका के तकरीबन 54 रन पर 4 खिलाड़ी आउट थे, मगर उसके बाद से श्रीलंकन बल्लेबाजों ने उमदा और शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा। शानशाह अफरीदी की बात करें तो उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, नसीम शाह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, जबकि इब्रार अहमद के हिस्से में 1 विकेट आई। इस वक्त श्रीलंका का स्कोर 226 है और उनके 5 खिलाड़ी आउट। ताहम दौरान मैच तकरीबन बारिश हो गई, जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ा। अब अगर बारिश जल्द रुकती है तो आज के दिन मजीद 10 ओवर का गेम कराया जा सकता है, मगर फिलहाल इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर बारिश नहीं रुकती तो फिर कल दूसरे दिन का खेल शुरू होगा। अब आप भाई मुझे बताएं इस वक्त किस टीम की पोजीशन अच्छी है और इस मैच का नतीजा क्या होगा।